तो फिर रिवाइज वाला तो कोई सीन ही नहीं है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमने पढ़ना, देखिए कल हम पढ़ रहे थे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम, पहला लेक्चर कल हुआ था, आज फिर दूसरा लेक्चर है। तो कल हमने क्या किया, कल हमने जी सबसे पहले, मैं एक मिनट में रिवाइज कर देता हूँ, कल हमने सबसे पहले न्यूरोलेशन का प्रोसेस किया कि हमने न्यूरल ट्यूब जो है ना वो बनाई। कल सबसे पहले हमने क्या किया, न्यूरल ट्यूब हमने बनाई, न्यूरोलेशन का प्रोसेस किया, फिर उस न्यूरल ट्यूब के साथ साथ हमने न्यूरल क्रस्ट सेल्स भी बनाए थे। फिर हमने कहा न्यूरल क्रस्ट सेल्स भी बनाए, फिर हमने कहा कि न्यूरल ट्यूब जो बनती है इस तरह, उसके दो पोर्स होते हैं, एक इंटीरियर पोर और एक पोस्टीरियर पोर। फिर हमने इनको क्लोज भी किया था कि प्रॉपर फोलिक एसिड होना चाहिए। और कीप इन माइंड, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था, एज ए गुड डॉक्टर कम से कम अपनी बीवी या अपने हस्बैंड को तो खुश रखें कि जब बच्चा प्लान कर रहे हो तो उस वक्त मदर को चाहिए कि वो प्रॉपर फोलिक एसिड लेना शुरू कर दे, ना कि जब प्रेग्नेंट हो जाए। तो हमने न्यूरल ट्यूब बना लिया, न्यूरल ट्यूब को फिर हमने कहा ये दोनों क्लोज हो जाते हैं, अब न्यूरल ट्यूब मुकम्मल बन चुकी है, क्लोज जब हो जाएगी, जब ये क्लोज हो जाती है, अब इस न्यूरल ट्यूब से हमने कहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है, और जो आपके न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं इनसे बनता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हम देखते हैं कि हमने कल जो न्यूरल ट्यूब बनाई थी उससे कैसे CNS बनता है, और हमने जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स बनाए थे उससे कैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। और बाकी हमने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स देखे थे, वो मैंने बार बार रिपीट किए थे, तो आप वो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गए होंगे, नहीं समझ आया तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। अब देखें वेजिकुलेशन, यहाँ से चलो मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ, फिर हम ऊपर से देख लेंगे। ये डायग्राम समझ लिया आपने, ये डायग्राम आप रट्टा मार लें बस, फिर आपको इसकी किस्म से कोई भी सवाल आएगा इंशाल्लाह ताला आप कवर कर लेंगे, इसको रट्टा मार लें। वो कहता है कि जी ये आपकी ऐसे न्यूरल ट्यूब होती है ना, ऐसे कल जो हमने बनाई थी, न्यूरल ट्यूब क्लोज हो गई है, न्यूरल ट्यूब है। वो कहते हैं न्यूरल ट्यूब के आसपास यहाँ पर न्यूरल क्रस्ट सेल्स पड़े होते हैं सारे, क्या पड़े होते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स पड़े होते हैं। अब वो कहते हैं इस न्यूरल ट्यूब से हमने CNS बनाना है, और जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स है उससे हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाना है। तो अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को रहने दें, अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना लेते हैं, फिर बाद में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगे। तो वो कहते हैं जो आपकी न्यूरल ट्यूब होती है, सबसे पहले इसमें वेजिकुलेशन होती है, क्या होती है, वेजिकुलेशन। अब वेजिकुलेशन क्या होती है, वेजिकुलेशन ये होती है कि आपकी जो न्यूरल ट्यूब है इसमें, इसके दो एंड होते हैं ना, एक कॉडल एंड और एक क्रैनियल एंड। जो इसका कॉडल एंड होता है, जो इसका स्टेलिक एंड होता है, उस एंड पे वेजिकल्स बनती है उभरी हुई, क्या बनती है, वेजिकल्स बनती है, ऐसे ऐसे फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स बनती है। अब ये वेजिकल्स जो सबसे पहले बनती है, वो तीन वेजिकल्स बनती है, ये नॉर्मल था इस तरह आपकी नॉर्मल ट्यूब थी, तो सबसे पहले तीन वेजिकल्स बनती है। एक देखें ये वेजिकल बन गई, ये देखें ये पहले ऐसे 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 थी, अब देखें आपको नजर आ रहा है ये वेजिकल बन गई, एक ये वेजिकल और दूसरी आपकी ये वेजिकल बन गई और तीसरी आपकी ये वेजिकल बन गई, और पीछे कुछ हिस्सा अभी रह जाता है आपकी न्यूरल ट्यूब का, बाकी रह जाता है ये वाला। तो सबसे पहले क्या हुआ, तीन वेजिकल्स बनी, फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स बनी। इन जो तीन वेजिकल्स बनी है, इनको हम बोलते हैं थ्री प्राइमरी वेजिकल्स, क्या बोलते हैं, थ्री प्राइमरी वेजिकल्स। सबसे पहले आपकी न्यूरल ट्यूब थी, उस न्यूरल ट्यूब में थ्री प्राइमरी वेजिकल्स बनी। वेजिकल्स क्या होती है, फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स होती है, सिंपल थ्री प्राइमरी वेजिकल्स बन गई। अब इनको एक एक नाम दिया जाता है, जो सबसे ऊपर की तरफ होती है कॉडल एंड की तरफ, दैट इज कॉल्ड प्रोजेनसेफलॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनसेफलॉन, मैं दोबारा लिख देता हूं, इसको बोलते हैं प्रोजेनसेफलॉन। और जो मिडल में होती है उसको हम बोलते हैं मेसेनसेफलॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, मेसेनसेफलॉन। फिर जो नीचे होते हैं कॉडल एंड की तरफ, दैट इज कॉल्ड रोम्बेनसेफलॉन, दैट इज कॉल्ड रोम्बेनसेफलॉन। अब तीन हमने वेजिकल्स बना दी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वेजिकल्स। अब उसके बाद न्यूरल ट्यूब का कुछ हिस्सा बाकी रह जाता है, अब जो हिस्सा बाकी रह जाता है बेसिकली इससे क्या बनता है आपका, स्पाइनल कॉर्ड बनता है। और भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, तो हमने दोनों चीजें बनानी है ना। तो न्यूरल ट्यूब से सबसे पहले थ्री प्राइमरी वेजिकल्स बनी, थ्री प्राइमरी वेजिकल्स बनी। जो सबसे ऊपर वाली वेजिकल है दैट इज कॉल्ड प्रोजेनसेफलॉन, उससे नीचे वाली मेसेनसेफलॉन, फिर सबसे नीचे वाली रोम्बेनसेफलॉन। ओके, ये थी प्राइमरी वेजिकल्स, और जो नीचे ही सब बात किया उससे क्या बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड, वो मैं आगे बताता हूँ कैसे बनता है। अभी सिर्फ ब्रेन पे फोकस करें, अब CNS के सिर्फ ब्रेन पे फोकस करें, ब्रेन कैसे बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अब थ्री प्राइमरी वेजिकल्स बनी थी, अब ये जो प्राइमरी वेजिकल्स है ये मजीद डिफ्रेंशिएट होकर पांच सेकेंडरी वेजिकल्स बना देंगी, ठीक है। थ्री प्राइमरी वेजिकल्स मजीद डिफ्रेंशिएट होकर फाइव सेकेंडरी वेजिकल्स बना देंगी। देखें जी, जो प्रोजेनसेफलॉन है उससे दो वेजिकल्स बनती है,
प्रोटॉन सेफ्लॉन एक थी, अब इससे दो वेजिकल, एक वेजिकल ये वाली, एक वेजिकल ये वाली और एक ये वाली, अब ऐसे दो वेजिकल बन गई है ना। ये देखें ये वाला कलर, ये वाला कलर यहां तक एक वेजिकल और ये वाला सेम कलर दूसरी वेजिकल, ठीक है। अब ये जो दो वेजिकल्स बनती है इनके नाम क्या होते हैं? जो सबसे पहले ऊपर वाली वेजिकल दैट इज कॉल्ड टिलेनसेफ्लॉन, दैट इज कॉल्ड टिलेनसेफ्लॉन, और जो उससे नीचे वाली वेजिकल्स बनती है दैट इज कॉल्ड डायनसेफ्लॉन, दैट इज कॉल्ड डायनसेफ्लॉन। फिर उसके बाद आपकी दूसरी प्राइमरी वेजिकल कौन सी थी? आई एम सॉरी, ये क्या हो गया? चले तो दूसरी आपकी प्राइमरी वेजिकल थी दैट इज कॉल्ड मेसेनसेफ्लॉन। अब मेसेनसेफ्लॉन, थैंक गॉड कि मेसेनसेफ्लॉन किसी में डिफरेंशिएट नहीं होती, मेसेनसेफ्लॉन मेसेनसेफ्लॉन ही रहती है। तो ये आपकी मेसेनसेफ्लॉन। उसके बाद फिर आपकी तीसरी प्राइमरी वेजिकल कौन सी थी? रोम्बेनसेफ्लॉन। क्यों, कौन सी थी? रोम्बेनसेफ्लॉन। अब रोम्बेनसेफ्लॉन दो बनाती है, एक ये वाली और एक ये वाली, और नीचे हिस्सा अभी भी आपका रह गया किसका? स्पाइनल कॉर्ड का, नीचे न्यूरल ट्यूब अभी बाकी रह गई है, ठीक है। अब इस रोम्बेनसेफ्लॉन से जो दो बनी है वो कौन सी है? मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन, मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन। तो ये बन गई। तो देखें, फिर देखें एक बार, फिर देखें कि पहले हमने तीन प्राइमरी वेजिकल्स बनाई, पहली प्रोटेनसेफ्लॉन, दूसरी मेसेनसेफ्लॉन, तीसरी रोम्बेनसेफ्लॉन। तीन वेजिकल्स बन गई, तीन प्राइमरी वेजिकल्स। अब इन्होंने डिफरेंशिएट करना है फाइव सेकेंडरी वेजिकल्स में। प्रोटेनसेफ्लॉन डिफरेंशिएट होगी टेलेनसेफ्लॉन में और डायनसेफ्लॉन में, और मेसेनसेफ्लॉन थैंक गॉड मेसेनसेफ्लॉन, और रोम्बेनसेफ्लॉन से मेटेनसेफ्लॉन और आपकी माइलेनसेफ्लॉन बन जाए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जी पहले तीन तो हमें याद हो जानी है, प्राइमरी आसान सी है, प्रोटेनसेफ्लॉन और मेसेनसेफ्लॉन और रोम्बेनसेफ्लॉन याद होंगे। सर हो गई याद? सर जी बताएं कि अगली जो पांच है उनको कैसे तरतीब से हमने याद रखना है, कैसे तरतीब से याद रखना है? तो ये सुने इसको, तो इसको सुने कि कैसे। वो कहता है कि इधर जो है ना एक लेडी डियाना ठहरी हुई है। क्या ठहरी हुई है? बड़ी खूबसूरत सी लेडी डियाना है। जब लेडी डियाना को आप देखेंगे तो आप चाहेंगे कि हम यार इसको टेलीस्कोप लगा के देखें, है ना, है ना, ताकि टेलीस्कोप लगा के इसको हम बड़ा गौर से देखें। तो टेलीस्कोप से आपकी टेलेनसेफ्लॉन, ठीक है, और लेडी डियाना से आपकी डायनसेफ्लॉन। क्या हो जाएगी? डायनसेफ्लॉन। तो सबसे ऊपर वाली टेलेनसेफ्लॉन, फिर आपकी डायनसेफ्लॉन, और जो ये वाली है ये तो वही रहेगी सेम मेसेनसेफ्लॉन, ये तो याद रह जाएगी। फिर बाकी आखिरी दो बची जो कि रोम्बेनसेफ्लॉन की डिफरेंशिएशन थी, मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन। इनको आपने कैसे याद रखना है? अल्फाबेट के ऑर्डर से। देखिए पहले एम आता है, इधर भी एम आता है, लेकिन पहले ई आ जाता है, वाई नहीं आता। तो फिर आपने पहले मेटेनसेफ्लॉन कर लेना, फिर माइलेनसेफ्लॉन कर लेना इनमें, ठीक है, यहां तक याद हो जाएगा। अब ये तो बने थे रीजन्स, ये तो क्या बने? वेजिकल्स बने। ये क्या बनी? अब इन वेजिकल से आपके ब्रेन के कौन कौन से स्पेसिफिक पार्ट बनते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अब आपकी जो सबसे पहली कौन सी है? ऊपर वाली टेलेनसेफ्लॉन। अगर सबसे ऊपर वाली टेलेनसेफ्लॉन है तो कौन मुझे बताएगा आपकी ब्रेन का सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? हेमिस्फेयर होते हैं। हेमिस्फेयर किसके होते हैं? सेरिब्रम के। तो सेरिब्रम के हेमिस्फेयर, तो जो आपकी सबसे ऊपर वाली है टेलेनसेफ्लॉन तो वो क्या बनाएगी? आपकी सेरिब्रम बना देगी, सेरिब्रम के दोनों राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो ये क्या बन जाएंगे? आपके राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर बन जाएंगे। कैसे? टेलेनसेफ्लॉन से। टेलेनसेफ्लॉन से आपके सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स बन जाएंगे, और साथ में इससे आपका बेसल गैंग्लिया भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेसल गैंग्लिया भी बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया आपका? टेलेनसेफ्लॉन से सेरिब्रल हेमिस्फेयर और साथ में बेसल गैंग्लिया। अब उसके बाद आपकी दूसरी कौन सी थी? डायनसेफ्लॉन। अब आपके सेरिब्रम से नीचे क्या पड़े होते हैं मैं बताता हूं आपको। सेरिब्रम से नीचे क्या पड़े होते हैं? आपके सेरिब्रम से नीचे क्या पड़े होते हैं? सेरिब्रम से नीचे आपको क्या पड़ा होता है? थैलेमस, थैलेमस, और इसके बाद यहां पे क्या पड़ा होता है आपका? हाइपोथैलेमस। और ये कौन सा ग्लैंड है? ये कौन सी बॉडी है, इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी बॉडी, मेमोरी, ये मेमोरी बॉडी। और इसके ऊपर यहां पर क्या पड़ा होता है? इधर थैलेमस के ऊपर बताया मुझे, पैनल ग्लैंड, या फिर हम इसको एपिथैलेमस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिथैलेमस। एपिथैलेमस के अंदर क्या होता है? पैनल ग्लैंड होता है, ये पड़ा होता है। और आपके थैलेमस से नीचे क्या पड़ा होता है? यहां पे सबथैलेमस। क्या पड़ा होता है? सबथैलेमस, ये भी। और आपकी जो हाइपोथैलेमस होता है उसके साथ क्या अटैच होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। याद आ रहा है कुछ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसके साथ अटैच होता है। तो ये सारी चीजें डायनसेफ्लॉन से बनेंगी। कैसे बनेगी? तो ये आपने डायग्राम याद रखेंगे, बस ये वाली कि सर ने स्केच की थी। क्या स्केच की थी? सबसे पहले आपने थैलेमस बना लेना है। थैलेमस के ऊपर ऊपर है तो एपिथैलेमस होगा, है एपी से ऊपर, तो ऊपर एपिथैलेमस। और आपको पता है एपिथैलेमस के अंदर पैनल ग्लैंड होते हैं,
तो वो भी, तो उसके बाद आपने कहा सर ये तो थैलेमस हो गया, जब भी लफ्ज थैलेमस आता है तो हाइपोथैलेमस तो साथ ही आ जाता है, तो ये क्या बन गई फिर आपकी हाइपोथैलेमस। आपने कहा सर जी थैलेमस हाइपोथैलेमस, उससे ऊपर एपिथैलेमस, एपिथैलेमस की बात आई तो पैनल ग्लैंड, और सर जी जब हाइपोथैलेमस की बात आती है तो हमें पता है उसके नीचे एक बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड मेमोरी बॉडी, ये भी याद हो गया। और सर जी हाइपोथैलेमस के साथ आपके पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी हो गया। और सबथैलेमस अगर एपिथैलेमस ऊपर पड़ा हुआ है तो सबथैलेमस कहाँ पड़ा होगा, थैलेमस से नीचे पड़ा होगा, तो ये भी हमें याद हो गया। ये सारी चीजें कैसे बनती है आपकी डायन्सेफलॉन से, कैसे बनती है डायन्सेफलॉन से। तो फिर देखें, फिर सबसे पहले टेलेंटसेफलॉन, टेलेंटसेफलॉन से क्या बन गया आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर और बेसल गैंग्लिया, और आपके डायन्सेफलॉन से क्या बन गया थैलेमस हाइपोथैलेमस, और साथ में इसका रेटिना भी बन जाता है। रेटिना याद रखें ना रखें नॉट मच इंपॉर्टेंट, बाकी जो सारे थे वो क्या थे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब उसके बाद नीचे क्या था आपका मेसेंसेफलॉन, मेसेंसेफलॉन से आपका क्या बन जाता है मिडब्रेन बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है मिडब्रेन बन जाता है, बात ही खत्म। उसके बाद अब आपका ये क्या था, ये क्या है ये वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड आपकी मेटेंसेफलॉन। अब मेटेंसेफलॉन से दो चीजें बनती है, सबसे पहले इससे पॉन्स बनता है, क्या बनता है पॉन्स, देखिए मैं आपको इसको मैं यहां स्केच करता हूं दोबारा। अब देखें ये आपका क्या बनेगा पॉन्स, और इसके नीचे आपका क्या बनेगा मेडोला, और मेडोला के नीचे ये रिमेनिंग पार्ट। अब ये पॉन्स, ये आपका मेडोला, और ये रिमेनिंग पार्ट हो गया आपका उसका जो समझ स्पाइनल कार्ड हो गया, ठीक है। अब इसी पॉन्स के साथ इधर भी आपका क्या होता है सेरिबेलम होता है, क्या होता है सेरिबेलम। तो अब आप देख लें कि जो मेटेंसेफलॉन है कौन सा है मेटेंसेफलॉन, मेटेंसेफलॉन से आपका क्या बनेगा पॉन्स और सेरिबेलम, पॉन्स और सेरिबेलम। और जो आपका मेडोला ब्रोंकाइट है ये कैसे बन जाएगा आपके मेलेंसेफलॉन से, कैसे बन जाएगा मेलेंसेफलॉन से बन जाएगा। तो आपने बना लिया पूरा सीएनएस, पूरा कंप्लीट कर लिया, आसान सा था ना। अब देखें एक और चीज इसमें जो आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट भी है, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स भी छोड़ देते हैं, डॉक्टर्स भी, कि यार स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होता है। अब देखें आपकी जो लैटरल वेंट्रिकल होते हैं ये कहाँ पड़े होते हैं लैटरल वेंट्रिकल हेमिस्फेयर्स में, तो लैटरल वेंट्रिकल कहाँ पड़े होते हैं आपके जो सेरिब्रम होते हैं उसके, ये लैटरल वेंट्रिकल्स, तो वो यहाँ पे पड़े होते हैं। तो अगर लैटरल वेंट्रिकल्स की बात है तो आप कहेंगे वो किसके साथ इन्वॉल्व होते हैं सेरिब्रम के साथ, ओके। फिर उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल कौन बनाता है, थर्ड वेंट्रिकल आपका डायन्सेफलॉन बनाता है, ठीक है। फोर्थ लैटरल वेंट्रिकल कौन बनाएगा टेलेंटसेफलॉन, ठीक है, और आपका थर्ड वेंट्रिकल कौन बनाएगा डायन्सेफलॉन। फिर जब ये देखिए ये आपके लैटरल वेंट्रिकल्स, लेट्स पुट ये लैटरल वेंट्रिकल, अब लैटरल वेंट्रिकल के बाद ये लैटरल वेंट्रिकल के बाद फिर आपके यहाँ पे क्या होता है थर्ड वेंट्रिकल। अब थर्ड वेंट्रिकल जो एक सेकेंड जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ये थर्ड वेंट्रिकल एक डक्ट के जरिए जाता है, दैट डक्ट इज कॉल्ड एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब उसके बाद सेरिब्रल एक्विडक्ट के बाद ये अपर पार्ट, आप अपर पार्ट होता है किसका फोर्थ वेंट्रिकल का, फिर उसका क्या होता है लोअर पार्ट होता है किसका फोर्थ वेंट्रिकल का, लोअर पार्ट होता है ये अपर पार्ट और नीचे वाला लोअर पार्ट। अब इसको मैं आपने तरतीब से बताते जाना है जैसे तरतीब से हम चले थे, ठीक है। देखें सबसे ऊपर क्या था आपका टेलेंटसेफलॉन, तो जो आपका लैटरल वेंट्रिकल्स हैं वो कैसे बनेंगे टेलेंटसेफलॉन से। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल कैसे बनेगा डायन्सेफलॉन से। फिर उसके बाद आपकी एक्विडक्ट, एक्विडक्ट किससे बनेगी मेसेंसेफलॉन से क्योंकि मिडब्रेन में होती है। फिर उसके बाद आपका अपर पार्ट है किसका फोर्थ वेंट्रिकल का, ये कैसे बनेगा मेटेंसेफलॉन से। फिर उसके बाद आपका लोअर पार्ट है आपका फोर्थ वेंट्रिकल का, ये कैसे बनेगा मेलेंसेफलॉन से, ठीक है, आसान सा था। तो अब आपने मुकम्मल जो सीएनएस है वो बना लिया है, तो अभी अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो बता दें मुझे, समझ आ गया था वेलन गुड, समझ आ गया। एक और चीज़ देख लें, वो कहते हैं अगर आप ये सारा प्रोसेस ना घूमें सिर्फ इतना भी देख लें कि जो प्रोजेंसेफलॉन है उससे फोरब्रेन बन रहा है ना, क्यों, क्योंकि प्रोजेंसेफलॉन में क्या है टेलेंटसेफलॉन और डायन्सेफलॉन, टेलेंटसेफलॉन से सेरिब्रम बन रहा है और डायन्सेफलॉन से फोरब्रेन का बाकी जितना हिस्सा बच रहा है वो सारा बन रहा है, तो ये फोरब्रेन हो गया आपका। और मिडब्रेन मेसेंसेफलॉन से मिडब्रेन बन रहा है मेसेंसेफलॉन, तो ये मिडब्रेन आपका पूरा एक्विडक्ट भी इसमें आ गई है मिडब्रेन। उसके बाद हाइंडब्रेन, हाइंडब्रेन कैसे बन रहा है रोमेंटसेफलॉन से, रोमेंटसेफलॉन से मेटेंसेफलॉन और मेलेंसेफलॉन, और इससे पॉन्स सेरिब्रम और मेडुला, ये आपका क्या होता है ये सारा आपका हैंड ब्रेन होता है। तो इस तरह आप इसकी पार्टीशन कर सकते हैं। तो सीएनएस में से आपने ब्रेन बना लिया, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द स्पाइनल कार्ड, ठीक है। अब इसकी मैं रीडिंग करा दूं जल्दी से, फिर हम स्पाइनल कार्ड की फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। हाँ भाई किसी को समझ आए तो बता दे मुझे, जूम पे किसी को समझ आए तो मुझे बता दे। वेंट्रिकल्स वाला ये समझ आ गया, सब समझ आ गया, मुझे रिस्पॉन्स क्या करें ताकि मैं मुतमईन होकर सेटिस्फेक्शन के साथ आगे मूव किया करूं।
चले वेजिकुलेशन, वो कहता है द न्यूरल ट्यूब फॉर्म्स स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक्स, फ्लूइड फिल्ड क्या बनती है, सैक्स बनती है, ठीक है, कॉल्ड वेजिकल्स, मैंने बता दिया इसको वेजिकल्स कहते हैं। दीज वेजिकल्स गिव्स राइज़ टू स्पेसिफिक रीजंस ऑफ नर्वस सिस्टम, इन वेजिकल्स से नर्वस सिस्टम के स्पेसिफिक रीजंस बन रहे थे, आपने अभी देखा। दिस प्रोसेस ऑफ वेजिकल्स फॉर्मेशन दैट गिव्स राइज़ टू अ ब्रेन, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड, जैसे ये सारा कुछ बन रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कि न्यूरल ट्यूब से आपका ब्रेन बन रहा है, स्पाइनल कॉर्ड बन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिकुलेशन। द ब्रेन बिगिंस टू डेवलप, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन कब बनना शुरू होता है आपके, थर्ड वीक में, ठीक है। एंड वन क्वेश्चन फॉर डॉक्टर जुबैर, आपका जो हार्ट है वो कब बीट करना शुरू होता है ऑटोमेटिक, फर्स्ट वीक, फोर्थ वीक से ऑटोमेटिक आपका जो हार्ट होता है वो बीट करना शुरू करता है, ठीक है, हाँ जी, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी वेजिकल्स, वो कहते हैं थ्री वेजिकल्स फॉर्म एट द क्रैनियल एंड, वो कहते हैं क्रैनियल एंड पे तीन वेजिकल्स बनते हैं न्यूरल ट्यूब से, इनको हम प्राइमरी वेजिकल्स बोलते हैं, कौन कौन सी, प्रोटोसेफलॉन, मेसेनसेफलॉन, रोमेनसेफलॉन। फिर सेकेंडरी वेजिकल्स बाय द फिफ्थ वीक या पांचवी वीक में द प्राइमरी वेजिकल्स फर्दर प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट इनटू फाइव, तो आप देखें सेकेंडरी वेजिकल्स कितनी होती है, पांच, तो वीक भी कौन सा होगा, पांच, सिंपल था, एमसीक्यू याद हो गई। नोन एज सेकेंडरी वेजिकल्स प्रोटोसेफलॉन डिफरेंशिएट्स इनटू टेलेनसेफलॉन एंड डायनसेफलॉन, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने कहा। फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द सेकेंडरी वेजिकल्स गिव्स राइज़ टू स्पेसिफिक रीजंस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज, टेलेनसेफलॉन से क्या बनता है आपकी सेरिब्रम, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और बेसल गैंग्लिया बनता है, और कहते हैं कि सेरिब्रम के अंदर क्या होता है, लैटरल वेंट्रिकल, मैंने बता दिया कि सबसे पहले ऊपर से लैटरल वेंट्रिकल होता है, या बनाता जाऊं दोबारा, लैटरल वेंट्रिकल है, समझ आ गया, चलें गुड। डायनसेफलॉन बिकम्स द थैलेमस, सबथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, पाइनल ग्लैंड, मेमोरी बॉडी, देखिए नाम बहुत ज्यादा है ये, लेकिन वो जो मैंने डायग्राम स्केच की है अगर आप इसको फॉलो करें तो यार फिर तो कुछ रह ही नहीं गया, आसानी से आप कंसेप्ट से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है थर्ड वेंट्रिकल कहाँ लोकेट करता है, इट इज लोकेटेड विद इन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस, इनके दरमियान में लोकेट करता है, एंड इज कनेक्टेड विद द लैटरल वेंट्रिकल, इससे ऊपर क्या होता है, ये देखिए ऊपर लैटरल वेंट्रिकल होते हैं ना, वो कहता है ऊपर लैटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल, ऊपर लैटरल वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है और नीचे किसके साथ कनेक्ट होता है, एक्विडक्ट के साथ, ये थर्ड वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल ऊपर लैटरल वेंट्रिकल के साथ, राइट और लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल के साथ, और नीचे एक्विडक्ट के साथ, फिर एक्विडक्ट के साथ कनेक्ट होती है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ, समझ आ रही है, हाँ जी हाँ जी। तो लैटरल वेंट्रिकल ऊपर और सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या होती है, नीचे होती है। मेसेनसेफलॉन बिकम्स द मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन में क्या होता है, एक्विडक्ट होती है दैट कनेक्ट्स द थर्ड वेंट्रिकल विद द फोर्थ वेंट्रिकल, तो ये थर्ड को फोर्थ के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है एक्विडक्ट। मेटेनसेफलॉन डिफरेंशिएट्स इनटू पोन्स एंड सेरिब्रम, पोन्स, अब पोन्स क्या कर रखता है, पोन्स में क्या होता है, पोन्स कंटेन्स द अपर पार्ट ऑफ द, देखिए सेरिब्रम नहीं बल्कि पोन्स, पोन्स कंटेन्स द अपर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्टेड विद द सेरिब्रल एक्विडक्ट। मेटेनसेफलॉन डिफरेंशिएट्स इनटू मेडुला दैट कंटेन्स द लोअर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। देखिए प्रोटोसेफलॉन में दो होते हैं, ये मैं रिव्यू दे रहा हूँ, रिव्यू सबका, टेलेनसेफलॉन प्लस डायनसेफलॉन गिव्स राइज़ टू द फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में क्या क्या होते हैं मैंने बता दिया। मेसेनसेफलॉन से मिड ब्रेन, रोमेनसेफलॉन में दो होते हैं, मेटेनसेफलॉन एंड मेलेनसेफलॉन गिव राइज़ टू हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन में क्या होते हैं मैंने बता दिया, तो आई होप कि समझ आ गया होगा। अब बनाए स्पाइनल कॉर्ड है, अब स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, अगर किसी को यहाँ तक समझ जाए तो मुझे रोक ले, अदरवाइज हम स्पाइनल कॉर्ड बनाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की बारी आएगी, है ना, अभी तो हम न्यूरल ट्यूब को छेड़ रहे हैं ना, न्यूरल ट्यूब को छेड़ रहे हैं, फिर न्यूरल ट्यूब के बाद न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। अब न्यूरल ट्यूब में से ये वाला ऊपर वाला हिस्सा हमने सारा कर लिया, हमने कहा नीचे रिमेनिंग पार्ट कुछ रह गया था, इसकी ऐसी की तैसी करते हैं, है? तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वो कहता है जो रिमेनिंग पार्ट होता है, द रिमेनिंग कॉर्डल पार्ट, वो क्रैनियल पार्ट था, क्रैनियल पार्ट से आपको साफ जरा, क्रैनियल पार्ट से आपका ब्रेन बनेगा और कॉर्डल पार्ट से आपका स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, तो जो कॉर्डल पार्ट होता है उससे स्पाइनल कॉर्ड बनता है। अब वो कहते हैं जो न्यूरल ट्यूब होती है बेसिकली उसकी तीन लेयर्स होती है, ये देखें इस पे जूम इन करें, न्यूरल ट्यूब की कितनी लेयर्स होती है, तीन लेयर्स होती है, सबसे अंदर वाली ये ब्लू वाली, इस लेयर को बोलते हैं न्यूरो एपिथेलियल जोन, क्या बोलते हैं, न्यूरो एपिथेलियल जोन, और इसके अंदर होते हैं न्यूरो एपिथेलियल सेल्स, क्या होते हैं, न्यूरो एपिथेलियल, ये स्टेम सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो फर्दर डिफरेंशिएट्स होकर कोई स्पेसिफिक सेल्स बना सकते हैं, ठीक है, स्टेम सेल्स का पता है ना कि वो जो दूसरे सेल्स बना सकते हैं। उसके बाद आपका जो दूसरा जोन होता है, दिस इज कॉल्ड मेंटल जोन, जो ये रेड वाला है, जो रेड वाला जोन क्या कहलाता है, मेंटल जोन। अब मेंटल जोन, उसके बाद आपका तीसरा होता है मार्जिनल जोन, तीसरा कौन सा होता है, मार्जिनल जोन, सबसे आउटर वाला मार्जिनल जोन। अब सुनना है आपने गौर से, अब आपने गौर से सुनना है, ऑलमोस्ट आपने कर लिया है, अब देखें गौर से सुने। वो कहता है कि सबसे पहले, अब ये न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब है, ये दरमियान से उसका स्पाइनल कैनाल है यहाँ पर, ठीक है,
तो अब न्यूरल ट्यूब, अब देखें वो कहता है सबसे अंदर वाले आपका न्यूरो एपिथेलियल जोन, उसमें पड़े होते हैं न्यूरो एपिथेलियल सेल्स। न्यूरो एपिथेलियल सेल्स क्या स्टेम सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं और डिफरेंशिएट करने के साथ साथ वो सबसे नीचे पड़े हुए थे ना, तो वो डिफरेंशिएट भी करते हैं और बाहर की तरफ मूव भी करते हैं। जब वो डिफरेंशिएट करते हुए बाहर की तरफ मूव करते हैं और जब वो इस मार्जिनल जोन सॉरी मेंटल जोन में पहुंचते हैं, किसमें मेंटल जोन में, तो मेंटल जोन में अब वो कुछ और सेल्स बन चुके होते हैं, क्या बन चुके होते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूरोब्लास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं, पहले क्या थे न्यूरो एपिथेलियल सेल्स स्टेम सेल्स, ये डिफरेंशिएट हुए और मोर स्पेशलाइज्ड, ये भी स्टेम सेल्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं स्टेम सेल्स, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं, मोर स्टेम सेल्स बन जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं न्यूरोब्लास्ट सेल्स। तो अगर वो पूछे कि न्यूरोब्लास्ट सेल्स कहां लोकेट करते हैं तो आप कहेंगे मेंटल जोन, और अगर कहें कि न्यूरो एपिथेलियल सेल्स कहां लोकेट करते हैं तो आप कहेंगे न्यूरो एपिथेलियल जोन। तो स्टार्ट यहां से हुआ, न्यूरो एपिथेलियल जोन में बने और जब वो मेंटल जोन में पहुंचे अब उनको हम क्या बोलते हैं न्यूरोब्लास्ट सेल्स। अब न्यूरोब्लास्ट सेल्स यहां पर रुकेंगे नहीं, वो स्टेम सेल्स हैं, उनमें सुकून नहीं है, आराम से नहीं बैठेंगे, वो सराकी में कहती है अचवी है। तो डॉक्टर जुबैर सैड सैड से आप नहीं सैड बैठे हुए, आप क्या हो गया, बोरिंग हो रहा है? नहीं हो रहा बोरिंग। पाकिस्तान कब जा रहे हैं आप? जून में। चले तो ये मेंटल जोन में क्या है, अब वो न्यूरोब्लास्ट सेल्स है, अब उनको सुकून नहीं है, अब उससे वो मजीद प्रोलिफरेट करेंगे और प्रोलिफरेट भी करते जाएंगे और बाहर की तरफ मूव भी करते जाएंगे। जब वो आपके मार्जिनल जोन में पहुंच चुके होंगे अब वो मुकम्मल तौर पर आपके न्यूरॉन्स बन चुके होंगे, क्या बन चुके होंगे न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स बन चुके होंगे। तो बन गए आपके न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स, ठीक है, जब वो यहां तक पहुंचते अब आपका क्या बन चुके होते हैं मुकम्मल न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स बन चुके होते हैं। अब ये यहां पर नहीं रुकते, यहां पर ये सुकून नहीं है न्यूरॉन्स को, है सुकून नहीं है। तो अब इस डायग्राम को नेक्स्ट डायग्राम की तरफ मूव कर रहा हूं। सर डॉक्टर जुबैर ने आज धोखा दिया है जिसकी वजह से मुझे घर वापस आना पड़ा यूनिवर्सिटी से। ये डॉक्टर अरसलान कह रहे हैं कि उन्होंने टेक्स्ट किया कि सर डॉक्टर जुबैर ने आज चीट किया है जिसकी वजह से मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही है, मैं ऑफलाइन नहीं ले सका। चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं आफ्टर क्लास एट द एंड ऑफ द क्लास। तो देखें यहां से आपके न्यूरो एपिथेलियल सेल्स, फिर आपके न्यूरोब्लास्ट सेल्स और फिर यहां पे पहुंचकर आपके क्या बन चुके न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स बन चुके। अब मैं इस पूरी स्ट्रक्चर को उठा के ये देखें मैंने छोटा सा सुराख बना दिया, समझ आ गया। अब ये मैंने पूरी जो न्यूरल ट्यूब है वो दरमियान में रख दी है, अब इसके ऊपर ये वाली चीजें हम बनाएंगे। अब क्या होता है कि हमने कहा था कि सेल्स बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं ना, रुक तो नहीं रहे सेल्स, रुक तो कुछ सेल्स इस तरफ मूव करते हैं ऐसे और कुछ सेल्स इस तरफ मूव करते हैं ऐसे, समझ आ रही है चीज। अब इनको दो फेजेस बोलते होते हैं, क्या बोलते होते हैं दो फेजेस, जो दो साइड्स बोलते हैं। अब अगर हम यहां से दरमियान से कट करें तो ये लेटरल साइड नहीं है, ये लेटरल साइड, ये भी लेटरल साइड है, ये भी लेटरल साइड है, ये भी लेटरल साइड है, ये वाली भी लेटरल साइड है। अब वो कहता है कुछ सेल्स जो है ना, अब ये पीछे वाली साइड है, इसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर साइड, इसको क्या बोलते हैं पोस्टीरियर, और ये आगे वाली साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं एंटीरियर साइड। वो कहता है कुछ सेल्स पोस्टीरियर या फिर पोस्टीरियर को दूसरा क्या कहते हैं डॉर्सल साइड, है ना, पोस्टीरियर को डॉर्सल भी कहते हैं और एंटीरियर को वेंट्रल भी बोलते होते हैं। और अगर याद ना रहे तो आप यूं कर सकते हैं पोस्टीरियर में ऐसा आता है और डॉर्सल में भी ऐसा आता है, एंटीरियर में एस नहीं आता लेकिन वेंट्रल में इसमें टी आता है, इसमें भी क्या आता है टी आता है, तो वेंट्रल और एंटीरियर और पोस्टीरियर और डॉर्सल, ठीक है। तो वो कहता है कुछ सेल्स क्या करते हैं, लेट मी चेंज द कलर अगेन, वो कहता है कुछ सेल्स क्या करते हैं इधर मूव करते हैं पोस्टीरियर और लेटरल, पोस्टीरियर और लेटरल, पोस्टीरियर और लेटरल मूव करते हैं कुछ सेल्स, या फिर हम डॉर्सल और लेटरल भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलते होते हैं एलर प्लेट, ये क्या बना देते हैं एलर प्लेट बना देते हैं। और कुछ सेल्स मूव करते हैं एंटीरियर और लेटरल, एंटीरियर और या फिर आप कह सकते हैं वेंट्रल और लेटरल, और ये बना देते हैं आपकी बेजल प्लेट बना देते हैं, क्या बना देते हैं बेजल प्लेट बना देते हैं। तो इस तरह आपकी दो प्लेट्स बन गई, एक आपकी एलर प्लेट और एक आपकी बेजल प्लेट। एक और चीज जो मजे की है उसमें, इसमें आपने याद रखनी है वो क्या के? कि जो एलर प्लेट है उसके अंदर हमेशा आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, कौन से होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, और जो आपकी बेजल प्लेट है उसके अंदर हमेशा क्या होते हैं आपके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ये दो चीजें आपने याद रखनी है, समझ आ गई है। अब आगे कैसे डेवलपमेंट होगी कि अब आपका ये जो एलर प्लेट थी ये वाली, ये आगे जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड का क्या बना देगी पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, क्या बना देगी पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न बना देगी, ठीक है। और आपकी जो बेजल प्लेट है वो जाके आपका वेंट्रल ग्रे हॉर्न या फिर
एंटीरियर ग्रे होल बना देगी। समझ आ गई है? तो इस तरह आपका स्पाइनल कॉर्ड मुकम्मल तौर पर बन जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का बाकी हिस्सा क्या रह गया? अभी ये कैनाल तो रह गई भाई, है ना, कैनाल तो रह गई है ना। अब ये जो कैनाल है, दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कैनाल, जिसके अंदर क्या होता है आपका सीएसएफ होता है। दैट्स इट। हाँ जी, ऊपर जाके आपके वो फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है फोरमेन मैग्नम के जरिए। ठीक है, तो समझ आ गई आप किस तरह आपका स्पाइनल कॉर्ड बनता है? या इसको रिपीट करूं मैं? रिपीट करूं एक बार, चलो मैं रीडिंग में रिपीट करा दूंगा। रीडिंग में वो कहता है, न्यूरो एपिथेलियल सेल्स स्टेम सेल्स फ्रॉम द न्यूरो एपिथेलियल जोन प्रोलिफरेट एंड मूव इनटू मेंटल जोन वेयर दे फॉर्म मोर स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स कॉल्ड द न्यूरोब्लास्ट। इवेंचुअली न्यूरोब्लास्ट मूव्स फ्रॉम मेंटल जोन टू मार्जिनल जोन एंड डेवलप इनटू द न्यूरॉन्स एंड एक्सॉन्स। बट अभी तक न्यूरॉन्स एक्सॉन्स रुकते नहीं है, वो कहते हैं हमने बहुत तरक्की करनी है, आगे जाना है। तो न्यूरॉन्स मूव आउटवर्ड द न्यूरल ट्यूब एज सेल्स डिफरेंशिएट्स एंड मूव अवे फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब दे मेक द एलर एंड बेजल प्लेट। कैसे एलर प्लेट कैसे बनती है? सम सेल्स एक्सटेंड डॉर्सली एंड लैटरली। तो ये न्यूरल ट्यूब, तो कुछ सेल्स क्या इतना नहीं बनाते, जरा ऊपर करके बनाते हैं। तो कुछ सेल्स क्या करते हैं आपके, ऐसे लैटरली और डॉर्सली मूव करते हैं एंड फॉर्म बनी ईयर्स। तो ऐसे लग रहा है जैसे बनी ईयर्स जो है खरगोश के कान हो जैसे, उस तरह के लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द एलर प्लेट। तो आपकी एलर प्लेट बन जाती है, दैट बिकम्स द पोस्टीरियर डॉर्सल ग्रे हॉर्न। इससे क्या बन जाता है फिर आपका? पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल ग्रे हॉर्न बन जाता है आपका। ठीक है, कैसे? एलर प्लेट से। उसके बाद आपका अगर वे, अब इसमें क्या होती है, इसमें कौन सी सेंसरी होती है, इसमें कौन सी होती है? सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ एलर प्लेट इज इंड्यूस्ड बाय बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स बीएमपीज। कौन सी? बीएमपीज। ये प्रोटीन्स भी इसको क्या करती है? इंड्यूस करती है। इनकी वजह से इसकी क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। ठीक, समझ आ गया एलर प्लेट कैसे बनती है? देखिए एलर प्लेट सिंपली बनती है डॉर्सली और पोस्टीरियर साइड पे। इससे आपका पोस्टीरियर और डॉर्सल ग्रे हॉर्न बनता है। इसमें सेंसरी फाइबर्स होती है और ये किस इसको इंड्यूस कौन करता है? बीएमपीज। उसके बाद आपकी बेजल प्लेट, वो कहते हैं बेजल प्लेट एक्सटेंड एंटीरियरली आगे की तरफ और लैटरली, एंटीरियरली और लैटरली। अब इससे वेंट्रिकल आपको वो ग्रे हॉर्न बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा? वेंट्रिकल ग्रे हॉर्न। और इसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। अब इसकी जो फॉर्मेशन है वो इसको कौन इंड्यूस करता है? इसको एस एच एच जीन करता है। एस एच एच जीन, सोनिक हेगहॉग जीन। ठीक है, सोनिक हेगहॉग जीन इसकी जो है ना वो बनाता होता है। ठीक है, दोनों समझ आ गई, पक्की बात है। अब रेमिनेंट्स ऑफ द न्यूरल ट्यूब बिकम्स द स्पाइनल कैनाल कंटेनिंग सीएसएफ। तो ये क्या बन जाएगा आपके? स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें क्या होगा? सीएसएफ होगा। और सीएसएफ कैसे बनता है थोड़ी देर बाद आगे बताता हूँ कि सीएसएफ भी कैसे बनता है। ठीक है, समझ आ गया भाई। अब जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो कुछ और भी बनाते हैं, हैं? न्यूरो एपिथेलियल सेल्स स्टेम सेल्स है ना, ये वाले जो इसके अंदर होते हैं। अब इससे कुछ और भी बनेगा जो न्यूरो एपिथेलियल जोन में होते हैं। इससे एक तो ये बन गया आपके न्यूरॉन्स वगैरह सब कुछ बन गया। अब इससे कुछ और चीजें भी बनती होती हैं। क्या बनती होती है? न्यूरल एपिथेल से आपके सीएनएस के न्यूरॉन्स, वो हमने अभी ऊपर पढ़े कि न्यूरॉन्स कैसे बनते हैं, बन गए। अभी वो कहते हैं सीएनएस के ग्लियल सेल्स भी बनते होते हैं। ठीक है, ग्लियल सेल्स भी उसके बनते होते हैं। कौन कौन से ग्लियल सेल्स? जो सीएनएस के ग्लियल सेल्स हैं उनमें तीन इंपॉर्टेंट हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एपेंडाइमल सेल्स। ये तीन, ये सीएनएस के क्या है? ग्लियल सेल्स हैं। ये कैसे बनते हैं आपके? न्यूरल एपिथेलियल सेल्स से। अब ये होते क्या है थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। पहले ओलिगोडेंड्रोसाइट्स देख लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सबसे। अब आपके जो सीएनएस में एक्सॉन्स होते हैं, किसमें? सीएनएस में जो एक्सॉन्स होते हैं उनकी जो मेलिनेशन होती है, जो उनकी इंसुलेशन होती है, क्या होती है? जो उनकी मेलिनेशन होती है, इंसुलेशन होती है, वो किस वो कौन करते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और इसी के साथ एक डिफरेंशिएट, चलो मैं आगे बताता हूँ, वो मैं आगे बता देता हूँ। उधर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं? सीएनएस के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो एक्सॉन्स हैं, उनकी क्या करते हैं? मेलिनेशन करते हैं, उनकी इंसुलेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद एपेंडाइमल जो सेल्स हैं उससे क्या बनता है? उससे आपका जो वेंट्रिकल्स हैं लैटर, आई एम सॉरी गला खुश्क हो गया, हमने अभी वेंट्रिकल्स पढ़े ब्रेन के। ठीक है, जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी जो लाइनिंग है उस लाइनिंग को कौन बनाता है आपके? एपेंडाइमल सेल्स। फिर इन्हीं एपेंडाइमल सेल्स का काम होता है कि ये क्या बनाते होते हैं? सीएसएफ, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कैनाल में रन कर रहा होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ठीक है, समझ आ गया। और तीसरे कौन से होते हैं आपके? एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपके जो सीएनएस के न्यूरॉन्स हैं वो प्रॉपर तौर पर फंक्शन कर रहे हैं और प्रॉपर तौर पर उनको सपोर्ट और मेंटेन रखते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो
न्यूरोएपिथेलियल सेल से एक तो आपका बेजल प्लेट बना, और बेजल प्लेट यानी कि वेंट्रल ग्रे हॉर्न बना, एलर प्लेट बना मतलब कि डॉर्सल ग्रे हॉर्न बना, ठीक है, और न्यूरॉन्स एक्सॉन्स बने, उसके साथ इसके ग्लियल सेल्स भी बने। कौन से ग्लियल सेल्स, कितने ग्लियल सेल्स हैं? 3। एस्ट्रोसाइट्स जो कि सपोर्ट और मेंटेन करते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो कि सीएनएस के अंदर आपके एक्सॉन्स की मेलिनेशन करते हैं, और एपेंडाइमल सेल्स जो कि आपकी वेंट्रिकल्स इनर लाइनिंग बनाते हैं, और सीएसएफ बनाते हैं। कौन सा सीएसएफ? जो कि फिर इस पैनल कैनाल में, सेंट्रल कैनाल में क्या करता है, रन करता है, इसमें होता है, और वेंट्रिकल्स में भी होता है आपका सीएसएफ, उधर रन करता है, ठीक है। अब जी ये बन गया आपका सीएनएस, न्यूरल ट्यूब ने क्या बना दिया? सीएनएस बना दिया। अब न्यूरल ट्यूब के अंतर्गत क्या पड़े हुए थे? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स पड़े हुए थे। अब हम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स को पकड़ते हैं कि वो क्या क्या बनाते हैं, ठीक है। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से क्या क्या बनते होते हैं, इधर आ जाए जी। ये आपकी न्यूरल ट्यूब थी, न्यूरल ट्यूब ये ब्लू वाली, इसका काम खत्म हो गया, इसको हमने देख लिया, सब कुछ कर लिया। अब हम देखते हैं कि न्यूरल जो क्रेस्ट सेल्स पड़े हुए हैं इससे क्या क्या बनता है। अब न्यूरल क्रेस्ट सेल से ये सारी चीजें बनेगी, ठीक है, वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल जो यहां पे पड़े होते हैं वो यहां से माइग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, यहां से माइग्रेट करेंगे और अपनी स्पेसिफिक एरिया की तरफ जाएंगे और वहां पर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना देंगे। अब ये स्किन की तरफ, सबसे पहले स्किन की तरफ, और वहां पर क्या बनाते हैं आपके मेलानोसाइट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स क्या होते हैं? स्किन के सेल्स होते हैं। मेलानोसाइट्स क्या होते हैं? स्किन के सेल्स होते हैं। ये एक मेलानिन बनाते हैं, इसका पिगमेंट बनाते हैं, इसका नाम क्या होता है? मेलानिन। पिगमेंट बनाते हैं ना ये मेलानोसाइट, इसका नाम होता है मेलानिन। मेलानिन क्या करता है? आपकी स्किन को कलर देता है, स्किन को क्या देता है? कलर देता है, ठीक है, उसकी कलरिंग पिगमेंटेशन करता है। मेलानोसाइट्स कैसे बनते हैं? न्यूरल क्रेस्ट सेल से। उसके बाद दूसरी चीज कि इससे आपके आपकी एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बनती है। क्या बनती है? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कौन बनाता है? एड्रेनल मेडुला। और एड्रेनल मेडुला में कौन से सेल्स होते हैं जो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन बनाते हैं? इंटेरो क्रोमोफिन सेल्स, इंटेरो क्रोमोफिन सेल्स, याद आ रहा है? तो फिर सुन ले, इसको फिर सुन ले कि आपके जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं वो मूव करते हैं, और आपके किडनीज के ऊपर क्या पड़े होते हैं? एड्रेनल ग्लैंड्स। तो वहां पर जो एड्रेनल मेडुला होता है वो कैसे बनता है आपकी न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से? मोर स्पेसिफिकली जाए तो एड्रेनल मेडुला के इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स इससे बनते हैं। अब इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स का काम क्या होता है? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बनाना। 80% एपिनेफ्रिन और 20% नॉरएपिनेफ्रिन इससे बनते हैं, ठीक है। अब जो मैं बताने लगा हूं ये जरा इंपॉर्टेंट है, मतलब जरा समझने वाला है। अब इसके बाद वो तीसरी चीज क्या बनाते हैं? सब म्यूकोजल प्लेक्सिस, और साथ में आपका बनता है मेंटेरिक प्लेक्सिस। क्या बनता है? मेंटेरिक प्लेक्सिस। मजे की बात बताऊं, शायद आपको पता भी हो, मैं एक स्टमक बनाने की कोशिश करता हूँ, नहीं बना, जैसा भी है गुजारा करें। अब आपको पता है आपका जो GIT होता है उसका अपना ब्रेन होता है, पता है आपको है कि GIT का अपना क्या होता है? ब्रेन होता है। उसकी स्पेसिफिक अपनी क्या होती है? उसकी अपनी नर्व्स होती है, न्यूरॉन्स होती हैं, जो कि उसकी मोटेलिटी को, उसकी सेक्रेशन को और उसके ब्लड फ्लो को क्या करती है? कंट्रोल। इसको आप सेकेंड ब्रेन भी कह सकते हैं, सेकेंड ब्रेन ऑफ GIT, सेकंड ब्रेन ऑफ GIT। इससे पहले आप देख लें GIT की कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती है। सबसे अंदर वाली म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, फिर उसके बाद सिरोसा। ये 3 लेयर्स होती है आपकी GIT की, ठीक है, सॉरी 4 लेयर्स होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और आपका सिरोसा। अब होता क्या है? अब सुने, अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब सुने आप इसको गौर से। वो कहते हैं सब म्यूकोसल मेसेनर प्लेक्सिस, ये कुछ भी नहीं होते, ये नर्व्स होते हैं और गैंग्लिया होते हैं। क्या होते हैं? नर्व्स और गैंग्लिया। क्या होते हैं गैंग्लिया? होते हैं क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडीज, क्लस्टर्स ऑफ, कि बहुत ही सेल बॉडीज को इकट्ठा करें तो आपको क्या बन जाता है? गैंग्लिया बन जाता है, ठीक है। तो नर्व फाइबर्स और गैंग्लिया दोनों, ये क्या होते हैं? सिर्फ नर्व फाइबर्स और गैंग्लिया होते हैं, लेकिन कहां पे होते हैं? आपकी GIT में। कहां पे होते हैं? GIT में। तो GIT में जो नर्व फाइबर्स और गैंग्लिया होते हैं वो क्या बना रहे होते हैं? इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम, है ना भाई। जो सेकेंड ब्रेन है उसमें क्या होने चाहिए? न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया होते हैं। तो उसके जो गैंग्लिया, नर्व फाइबर्स, वो जो भी है वो कौन बना रहा होता है? आपका सब म्यूकोसल मेसेनर प्लेक्सिस बना रहा होता है। और ये कौन सी लेयर में होता है? सब म्यूकोसल लेयर में होते हैं। नाम खुद बता रहे हैं, किस लेयर में होते हैं? सब म्यूकोसल लेयर में। इसके बाद आपका होता है मेंटेरिक एरिबेचस प्लेक्सिस। अब ये क्या होता है? ये भी सेम वही नर्व्स और गैंग्लिया होती है। कहां पर? GIT में। क्या बना रहे होते हैं? इंडायरेक्ट नर्वस सिस्टम। लेकिन अब लेयर कौन सी होगी?
मस्कुलरिस एक्सटर्नल, ये मस्कुलरिस एक्सटर्नल में होता है और वो किस में होता है, सब म्यूकस में होता है, इतना फर्क होता है बस। बाकी है क्या, नर्व्स और गैंगलिया, गैंगलिया है जो कि आपका इंटरनल नर्वस सिस्टम बना रहा है, और इंटरनल नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि मोर्टेलिटी वगैरह को कंट्रोल करना और सेक्रेशन वगैरह को, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये देखें ये उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ आ गया। उसके बाद जो अगली चीजें बनाता है नंबर फोर पे, इसको आपने सुनना है, अभी जो मैं बता रहा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ग्लियल सेल्स, वो क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ग्लियल सेल्स, कौन कौन से थे, एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स और आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ग्लियल सेल्स कौन से, श्वान सेल्स और सैटेलाइट सेल्स, बड़ा फेमस फर्क है इनमें। श्वान सेल्स क्या करते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एग्जॉन्स होते हैं उनकी मेलिनेशन करते हैं, समझ आ रहा है। श्वान सेल्स क्या करते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एग्जॉन्स है उनकी मेलिनेशन करते हैं, और जो आपके कौन से थे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एग्जॉन्स थे उनकी मेलिनेशन कर रहे थे। फर्क समझ आ गया, हाँ जी। और उसके बाद आपकी जो एस्ट्रोसाइट्स थे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के फंक्शन को मेंटेन कर रहे थे, और यहां पर जो आपके सैटेलाइट सेल्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसके फंक्शन को मेंटेन करेंगे। ठीक है, आसान सा है। उसके बाद अगली चीज म्यूजोटोन बच जाती है। म्यूजोटोन से आपका बनता है मैक्रोग्लिया, क्या बनता है, ये भी सेल्स होते हैं, मैक्रोग्लिया। इसका फंक्शन सेम लाइक मैक्रोफेज होता है, मैक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया और मैक्रोफेज दोनों का फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। मीन दैट ये आपकी ब्रेन को इंजरीज और इन्फेक्शन से बचाते हैं, इम्यूनिटी में काम करते हैं, किसमें काम करते हैं। तो अगर क्वेश्चन है मैक्रोग्लिया किससे बनते हैं, आपने कहना म्यूजोडर्म लेयर से बनते हैं। ठीक है, तीन लेयर होते हैं ना, म्यूजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एम्ब्रियो में, तो ये कौन सी लेयर से बनेंगे, म्यूजोडर्म से बनेंगे। इनका काम क्या है, इम्यूनोलॉजी, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज की तरह काम करते हैं इम्यूनोलॉजी के अगेंस्ट का, इम्यूनोलॉजी एज इम्यून सिस्टम आपका काम करते हैं ब्रेन में। ठीक है, उसके बाद डॉर्सल रूट गैंग्लिया, जो अगली चीज बनती है वो क्या बनती है आपकी, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। डॉर्सल रूट गैंग्लिया क्या होते हैं, मैं कहाँ पर बनाऊँ डायग्राम, यहाँ बना लेते हैं। चले, ये आपका लेट्स सपोज दैट ये आपके हॉर्न हो गए, ठीक है, गलत बन गया, हाँ ठीक है। ये आपका कौन सा हॉर्न है, ये वाला ऊपर वाला डॉर्सल हॉर्न, ये वाला कौन सा है, वेंट्रल हॉर्न। अब जब नर्व फाइबर जाती है तो इधर आपके गैंग्लिया पड़े होते हैं, ये क्या पड़े होते हैं, गैंग्लिया। अब यहां से आपकी कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन इस गैंग्लिया के अंदर आती है, फिर ये गैंग्लिया सेंसरी इंफॉर्मेशन कहां भेजते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड में भेजते हैं। ये वाले जो दोनों साइड में पड़े होते हैं, इधर भी पड़े होते हैं, इधर भी पड़े होते हैं, ये वाले जो गैंग्लिया इनको हम क्या बोलते होते हैं, इनको डॉर्सल रूट गैंग्लिया बोलते होते हैं, क्या बोलते होते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। अब ये दोनों तरफ पड़े होते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड से बाहर पड़े होते हैं, ये बात याद रखें कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं होते, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर गैंग्लिया पड़े होते हैं जो कि यहां से सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेते हैं और उसको आगे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोवाइड करते हैं, इनको हम क्या बोलते होते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। तो ये भी कैसे बनते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके दो और गैंग्लिया होते हैं, एक होता है आपका कोलेटरल गैंग्लिया और एक आपका होता है चेन गैंग्लिया। अब ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड के सामने, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर, ये भी स्पाइनल कॉर्ड से बाहर ही होंगे और उसके सामने पड़े होंगे कुछ और गैंग्लिया पड़े होते हैं जिनको हम क्या बोलते होते हैं, क्या मैंने कोलेटरल गैंग्लिया, क्या बोलते होते हैं, कोलेटरल गैंग्लिया। तो ये क्या होते हैं, कोलेटरल गैंग्लिया पड़े होते हैं, उनको हम प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया भी बोलते होते हैं, क्या बोलते होते हैं, क्यों प्री वर्टिब्रल, प्री वर्टिब्रल क्यों बोलेंगे इसको हम, क्यों, क्योंकि ये वर्टिब्रल के सामने पड़े हुए हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड के सामने पड़े हुए, तो इसलिए हम इनको प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया भी बोलते होते हैं। और एक और गैंग्लिया होता है, दैट इज कॉल्ड चेन गैंग्लिया, दैट इज कॉल्ड चेन गैंग्लिया, कि आपका यहाँ पे एक और आपका पड़ा हुआ है वर्टिब्रल बॉडी, एक और पड़ी हुई है, तो इनके पास क्या पड़े होंगे, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, ये सारे गैंग्लिया पड़े होंगे। अब ये जो गैंग्लिया आपस में कनेक्ट होते हैं, ये सारे गैंग्लिया आपस में जो कनेक्ट होते हैं, अब ये एक चेन बन गया, इनको हम क्या बोलते हैं, चेन गैंग्लिया, समझ आ गई है। तो ये इस तरह के गैंग्लिया होते हैं, कितनी तरह के गैंग्लिया थे, मेरे ख्याल में तीन तरह के, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, तीन तरह के गैंग्लिया। सबसे पहले आपके डॉर्सल रूट गैंग्लिया जो कि स्पाइनल कॉर्ड से बाहर पड़े होते हैं, इधर इधर पड़े होते हैं, और ये यहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसको स्पाइनल कॉर्ड को दे देते हैं। ठीक है, सेंस करते हैं, रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उनको वसूल करते हैं। फिर उसके बाद आपका कोलेटरल गैंग्लिया, इसको प्री वर्टिब्रली बोलते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड के बाहर और सामने पड़ा होता है। फिर उसके बाद चेन गैंग्लिया जो कि गैंग्लिया को, गैंग्लिया क्या होते हैं, आपस में बहुत सारे गैंग्लिया इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो ये आपका चेन गैंग्लिया, समझ आ गया। ये भी हो गया, तो ये भी कैसे बनते हैं, आपके न्यूरल क्रस्ट सेल से बनते होते हैं। उसके बाद देखें जी, उसके बाद आपकी ग्रैनुलर नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9 और नंबर 10, ये भी कैसे बनती होती है आपकी, न्यूरल क्रस्ट सेल से।
ठीक है, 5, 7, 9, 8, 10 न्यूरल क्रेसल, ये भी उसी से बनती होती है। फिर उसके बाद आपकी जो है ना लेफ्ट मेनिंजीज, मेनिंजीज की कितनी लेयर होती है, 3। सबसे आउटर कौन सी होती है, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के अंदर कौन सी होती है, ऑर्कनाइड मेटर। ऑर्कनाइड मेटर के अंदर कौन सी होती है, पियामेटर। जो अंदर वाली दो लेयर्स होती है, ऑर्कनाइड मेटर और पियामेटर, इनको हम बोलते होते हैं लेप्टो मेनिंजीज। क्या बोलते होते हैं, लेप्टो मेनिंजीज। और इन देखिए मैं इधर दोबारा स्केच कर लेता हूं कि ये सबसे अंदर वाली कौन सी, पियामेटर, उसके बाहर ऑर्कनाइड मेटर, उसके बाहर ड्यूरामेटर। तो जो आपकी ये अंदर वाली दो लेयर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पियामेटर और ऑर्कनाइड मेटर, इनको बोलते होते हैं लेप्टो मेनिंजीज। क्या बोलते होते हैं, और इन्हीं के दरमियान में एक स्पेस होती है, दैट इज कॉल्ड सब ऑर्गेनाइड। इसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है, सीएसएफ फ्लूइड होता है, वेरी गुड। तो ये सब ऑर्गेनाइड स्पेस। तो ये भी कैसे बनती है, सिर्फ सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइड मैटर और पीए मैटर, ये कैसे बनती, लेफ्ट मेनिंजीज, ये कैसे बनती है आपकी, न्यूरल क्रेसल से। उसके बाद आपकी हेड एंड नेक है, क्या है, हेड एंड नेक। हेड एंड नेक के मसल्स, बोन्स और ये सारी चीजें मोस्टली कैसे बनती है, न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनती होती है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बैक हो गई है, कब से ब्लैक हो गई है, कब से हुई है ये डॉक्टर अरसलान, ये कब से हुई है ऐसा, अभी एक मिनट पहले। बाकी सबको शेयर हो रही है, डॉक्टर जुबैर आपको शेयर हो रही है, आपने ज्वाइन किया हुआ, दोबारा ज्वाइन करके देखें, देखें सबको शेयर, बाकी को शेयर हो रही है ये स्क्रीन के, जी मुझे हो रही है, बाकी को तो हो रही है, आपके नेट का इशू होगा डॉक्टर अरसलान, आपके नेट का इशू होगा, फिर नेट का इशू देखें। तो देखें हेड एंड नेक के जो मोस्टली जो आपकी तीन बोन्स होती हैं मिडल एयर की, वो कौन कौन सी होती हैं, स्टेपस, इंकस और मैलिस। ये तीन लेयर्स, ये तीन बोन्स होती हैं, ये कैसे बनी होती है आपकी, न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनी होती है। तो आई होप सो दैट कि आपको सारा समझ आ गया कि न्यूरल क्रेस्ट सेल से कौन कौन सी बनती है। मैं रिपीट करता हूँ इसको सारे को, ठीक है, कि क्या क्या बनता है, शुरू से, शुरू से सबसे पहली चीज जो बनती है मिलेनोसाइट्स बनते हैं। मिलेनोसाइट्स क्या होती है, स्किन के सेल्स होते हैं। स्किन के सेल्स के अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट बनाते हैं, ये मिलेनिन। मिलेनिन पिगमेंट क्या करता है, स्किन को कलर देता है, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनते हैं, ठीक है। ये वाली हाँ जी, काला कलर, डॉक्टर साहब कहते हैं कि काला कलर देते हैं, मतलब कि जो ज्यादा काले होते हैं उनको कुछ ज्यादा ही, उनको कुछ ज्यादा ही बरकत होती है, उनका जो है ना कुछ ज्यादा ही, फिर वो मिलेनोसाइट्स होते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स को ज्यादा ही एक्टिव होते हैं उनके, है। फिर उसके बाद दूसरा देखें, दूसरा हमने कहा कि एड्रेनल मेडुला बनता है, यानी उसके इंटरोक्रोमोफेन सेल्स बनते हैं जिसके आपकी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बनती होती है। और तीसरा इंटरेक्ट नर्वस सिस्टम बनता है। इंटरेक्ट नर्वस सिस्टम मैंने यहाँ बताया, इंटरेक्ट नर्वस सिस्टम क्या होता है, इंटरेक्ट नर्वस सिस्टम आपका सेकंड ब्रांड होता है जीआईटी का, जो कि जीआईटी की मोटैलिटी को, सेक्रेशन को और ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। अब ये इंटरेक्ट सिस्टम दो तरह के प्लेक्सिस से बना होता है, एक होता है आपका सब म्यूकोसल प्लेक्सिस और दूसरा आपका होता है मेंटेरिक प्लेक्सिस। अब दोनों प्लेक्सिस हैं, दोनों में नर्व्स और गैंग्रिया होते हैं, लेकिन जो सब म्यूकोसल होता है, नाम खुद बता रहा है, सब म्यूकोसल लेयर में होता है और मेंटेरिक किस में होता है, आपकी मस्कुलरिस एक्सटर्ना में होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी हमने क्या पढ़ा, हमने कि ये गैंग्लिया पढ़े, फिर उसके बाद हमने कहा कि एक गैंग्लिया यहाँ पे पड़ा होता है, इसके बहर स्पाइनल कॉर्ड के बहर, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, जो कि जहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेता है और स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। और कुछ गैंग्लिया आपके एंटीरियर में पड़े होते हैं इसके, लेकिन बहर पड़े होते हैं, इनको हम बोलते हैं कोलेटरल गैंग्लिया, क्योंकि ये सामने पड़े इसके प्री वेंट्रिकुलर गैंग्लिया बोलते हैं। और बहुत सारे गैंग्लिया आपस में कनेक्ट होते हैं, जो कनेक्ट होते हैं गैंग्लिया, इसको भी हम क्या बोलते हैं, ये भी इसी से बनते हैं, इनको हम क्या बोलते होते हैं, चेन गैंग्लिया, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया भी इनको हम बोलते होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट मेनिंजीज है वो भी इसी से बनी होती है, और आपकी क्रैनियल नर्व 5, 7, 9, 10 वो भी इसी से बनी होती है, और हेड एंड नेक के मसल वगैरह सारे इसी से बने होते हैं, और मोस्टली ये थ्री बोन्स ऑफ द मिडल एयर ये भी इसी से बनी होती है। चले मैं जल्दी से इसकी रीडिंग करा देता हूँ, फिर उसके बाद अगर आपका मूड है तो आगे कुछ डिजीजेज हैं, मेलफॉर्मेशन है ब्रेन की, तो वो पढ़ लेते हैं, अगर आप थक जाएंगे इसके बाद तो फिर हम इसको कल कर लेंगे। देखें जल्दी से, वो कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स डीअटैच फ्रॉम न्यूरल ट्यूब, उसे डीअटैच होते हैं, माइग्रेट करते हैं और डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। मिलेनोसाइट्स, सेल्स दैट आर फाउंड इन द स्किन एंड प्रोड्यूस द स्किन पिगमेंट कॉल्ड द मिलेनिन। मिलेनिन गिव्स द पिगमेंटेशन कलर टू द स्किन। इंटरोक्रोमोफेन सेल्स, सेल्स दैट आर फाउंड इन द एड्रेनल मेडुला, दीज सेल्स सेक्रेट एपिनेफ्रिन 80% और नॉरएपिनेफ्रिन 20% फॉर स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जब स्ट्रेस होता है उसके रिस्पॉन्स में ये रिलीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सब म्यूकोसल, यह इसका दूसरा नाम होता है मेसेनप्लेक्सिस, और आपका मेंटेरिक, इसका दूसरा नाम होता है एरोबैकस प्लेक्सिस। देखें इसकी
नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स एंड गैंगलिया, क्लस्टर्स ऑफ नर्व सेल बॉडीज को गैंगलिया बोलते हैं। एनजीआईटी लेयर्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ इंटरनल नर्वस सिस्टम, सेकंड ब्रेन ऑफ द जीआईटी दैट वर्क्स इंडिपेंडेंट, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी इंडिपेंडेंट काम करता है अपना, एंड कंट्रोल्स मेनी जीआईटी फंक्शंस लाइक मोटिलिटी, सेक्रेशन एंड ब्लड फ्लो। सब म्यूकोसल प्लेक्सस इज लोकेटेड इन द सब म्यूकोसल लेयर व्हाइल मेंटेनर प्लेक्सस इज लोकेटेड इन द मस्कुलरस एक्सटर्ना ऑफ द जीआईटी। ठीक है, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेल, ये मैंने बता दिया, अब मैंने पहले पढ़ा दिया। ठीक है, बस इसमें ये देख लें कि जो अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एग्जॉन्स हैं तो उनकी मेलिनेशन कौन करेगा? श्वान सेल्स। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आपके वो हैं तो उसके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करेंगे। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो जो फंक्शन है न्यूरॉन्स का उसको मेंटेन कौन करेगा? एस्ट्रोसाइट्स। और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो उसके फंक्शन को मेंटेन कौन करेगा? सैटेलाइट सेल। डॉर्सल रूट गैंग्लिया, क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज लोकेटेड आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरल सेंसरी रिसेप्टर्स एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वियर अ स्पाइनल कॉर्ड। फिर कोलेटरल और चेन गैंग्लिया, कोलेटरल गैंग्लिया आर द क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स बॉडीज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, सो कॉल्ड प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, व्हाइल चेन गैंग्लिया आर द सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द, तो वो उसकी साइड पे पड़े हुए थे ना, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, ये देखें अगर वर्टिब्रा है तो उसकी साइड पे इधर भी गैंग्लिया इधर भी तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ऐसे, तो उसकी किनारे साइडों पे पड़े होते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे क्या, सो कॉल्ड, तो इनको हम पैरा वर्टिब्रल गैंग्लिया भी इसे बोलते हैं। लेप्टोमेनिंजीज और ऑर्गेनाइड मैटर प्लस पीआर मैटर और कॉल्ड लेप्टोमेनिंजीज, नोट देयर आर थ्री मेनिंजीज लेयर दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, आउटर मोस्ट इज कॉल्ड ड्यूरामेटर, मिडिल वन इज ऑर्गेनाइड मैटर, वेल इन मोस्ट इज द पीआर मैटर एंड द ड्यूरामेटर इज ड्राइव फ्रॉम द, अच्छा हाँ, जो ड्यूरामेटर होती है वो कैसे बनती है? म्यूजोडर्म से। बाकी दो अभी हमने देखी, लेप्टोमेनिंजीज कैसे बन रही है? न्यूरल क्रस्ट सेल से। लेकिन जो आउटर ड्यूरामेटर वो कैसे बनती है? म्यूजोडर्म से। क्रैनियल नर्व्स 5, 7, 9 and 10, दीज नर्व्स इनर्वेट्स द फ्रेंजल आर्च, और ये फ्रेंजल आर्च को इनर्वेट करते होते हैं। और फ्रेंजल आर्च क्या है मैं दोबारा डिटेल में नहीं बताने जा रहा, मैंने एमरे में बड़ा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बस इतना याद रख लें कि ये फ्रेंजल आर्च को इनर्वेट करती है। अकॉर्डिंग टू सम रेफरेंसेस, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि क्रैनियल नर्व 3 और 8 भी न्यूरल क्रस्ट सेल से ही बनती है। ठीक है, बट नॉट मच इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेड एंड नेक, न्यूरल क्रस्ट सेल्स आल्सो डिफरेंशिएट टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द हेड एंड नेक इंक्लूडिंग मसल्स एंड बोन्स, वेरियस स्टेप्स एंड इंकस, तो ये उससे बनती होती है। तो अगर अभी आप लोग फ्रेश हैं तो हम ये ब्रेन मालफॉर्मेशंस में पहले डिजीज पढ़ लेते हैं, होलोप्रोसेन्सेफेली, यहाँ तक अगर आप लोग फ्रेश है तो बताएं मुझे। अगर आप लोग कहते हैं काफ़ी है तो काफ़ी है, अगर आप लोग कहते हैं तो 15 मिनट लगेंगे, इसको हम खत्म कर लेते हैं होलोप्रोसेन्सेफेली को। क्या कहते हैं जी डॉक्टर, जल्दी रिस्पॉन्स करें फिर मुझे, आप लोग क्या कहते हैं, पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ लेते हैं डॉक्टर जुबैर, चले पढ़े पढ़ा दे, ये यू करके हैं, चले पढ़ा देते हैं, इसको पढ़ लेते हैं यार, जल्दी से न्यूरो खत्म करें ना, है होलोप्रोसेन्सेफेलन। होलोप्रोसेन्सेफेलन क्या होती है? लेट मी चेंज द कलर, यार बड़ी आसान सी है ये। होलोप्रोसेन्सेफेलन से पहले पढ़ ले कि ब्रेन मालफॉर्मेशन होती क्या है। वो कहते हैं आपकी जो ब्रेन की जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मैलिटीज हो जाती है कि वो ब्रेन आपका प्रॉपर तौर पर डेवलप नहीं होता। जब फीटल की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसमें जब ब्रेन की डेवलपमेंट होती है तो उसमें कुछ एबनॉर्मैलिटीज रह जाती है, ब्रेन प्रॉपर तौर पर डेवलप नहीं होता। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा सारा कि ब्रेन क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अगर ये सारा ब्रेन प्रॉपर तौर पर डेवलप ना हो, जो हमने ऊपर एक नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़ा, तो इसमें एबनॉर्मैलिटीज होंगे, इनको हम बोलेंगे ब्रेन मैलफॉर्मेशंस। दीज आर मोस्टली इनकम्पैटिबल विद पोस्टनेटल, कि जब बच्चा पैदा होता तो मोस्टली ये सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, बट अगर सर्वाइव करेगा भी सही तो वो बड़ा डिसेबल्ड का बच्चा डिसेबल्ड होगा। क्या होगा? डिसेबल्ड, मजबूर सा बच्चा, बड़ा बड़ी मुश्किल लाइफ उसकी होगी। सम एग्जांपल्स ऑफ ब्रेन, तो सबसे पहले उसकी क्या है? होलोप्रोजन सिफिली। अब इसमें क्या होता है? ठीक है, ये देख लें इस बच्चे बेचारे को, इसको होलोप्रोजन सिफिली है। ठीक है, तो इसको हम बड़ा ध्यान से इसको देखते हैं कि क्या होती है। अभी मैंने ऊपर पढ़ा आपको सोनो हैगोक जीन पढ़ा है ना, जो सोनो हैगोक जीन है उसमें होगी म्यूटेशन। उसमें क्या होगी? म्यूटेशन। जब सोनो हैगोक जीन में म्यूटेशन होगी इट लीड्स टू फेलियर ऑफ प्रोसेन्सेफेलन। तो प्रोसेन्सेफेलन किस में डिवाइड होता था भाई, बताया मुझे, टेलेन्सेफेलन में और डेन्सेफेलन में। वो कहता है प्रोसेन्सेफेलन जो है ना वो टेलेन्सेफेलन और डेन्सेफेलन में प्रॉपर तौर पर डिवाइड नहीं होगा। जब आपकी टेलेन्सेफेलन डिवाइड नहीं हुआ तो टेलेन्सेफेलन से क्या बनते थे? दो हेमिस्फीयर्स बन रहे थे ना, एक राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो अब जब ये डिवाइड ही नहीं हुआ है तो क्या दो हेमिस्फीयर बनेंगे? नहीं, बल्कि अब एक ही हेमिस्फीयर बनेगा, सिंगल। क्या बनेगा? सिंगल हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो ये डिवाइड नहीं होगा तो सिंगल हेमिस्फीयर बन जाएगा, पहली चीज। ये जो इसके बारे में बड़ी फेमस, इसकी डेफिनेशन भी आप यूं ही समझ लें,
डेफिनेशन भी समझ सकते हैं कि प्रोटॉन से फ्लॉन जो है ना वो डिवाइड होना फेल हो जाता है, जब वो डिवाइड फेल होता है तो आपका जो फोर ब्रेन है तो फोर ब्रेन भी डिवाइड नहीं होता, फिर फोर ब्रेन भी फिर डिवाइड नहीं होता। देखे बात सुने सिंपल से वो कहता है जी सोरेन हैकॉक जीन में म्यूटेशन आएगी तो जो प्रोटॉन से फ्लॉन है वो डिवाइड नहीं होगा टीरेंट से फ्लॉन और डैन से फ्लॉन में। तो प्रोटॉन से फ्लॉन क्या है, इससे क्या बनता है फोर ब्रेन, है ना, प्रोटॉन से फ्लॉन से पूरा फोर ब्रेन बनता है ना, डैन से फ्लॉन और टीरेंट से फ्लॉन दोनों को मिला के। फिर अगर प्रोटॉन से फ्लॉन टीरेंट से फ्लॉन और डैन से फ्लॉन में डिफरेंशिएट हो रहा है तो फोर ब्रेन किस में डिफरेंशिएट हो रहा था, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दो वो बना रहा था, है ना, और नीचे आपका क्या बन रहा था थैलेमस हाइपोथैलेमस वो वाली चीजें बन रही थी। तो अगर प्रोटॉन से फ्लॉन जो है ना वो डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या फोर ब्रेन डिवाइड होगा, नहीं, तो दो हेमिस्फीयर नहीं होगा बल्कि एक ही हेमिस्फीयर होगा, आपका क्या होगा, एक ही हेमिस्फीयर होगा। इट यूजली अकर्स एट 3 to 4 weeks ऑफ डेवलपमेंट, और ये जब डेवलपमेंट हो तो 3 to 4 weeks में ये आपको डिजीज पेशेंट बच्चे को हो जाए। तो समझ आ गई इसकी डेफिनेशन, समझ आ गई है, आगे मूव करूं मैं। इट इज एसोसिएटेड विद पेडुअल सिंड्रोम एंड फिटल अल्कोहल सिंड्रोम। कौन डॉक्टर बताएगा कि एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, हैं, एसोसिएशन का हम कहते हैं ये डिजीज उसके साथ एसोसिएट है, मन से लेके मतलब, हाँ। अब हम यूँ कह सकते हैं कि मैंने अक्सर जो है ना डॉक्टर जुबैर को और डॉक्टर सईद को इकट्ठे देखा है, तो मतलब ये दोनों एक साथ एसोसिएट है। अगर जहाँ पे आपने डॉक्टर जुबैर को देखा है तो आपके 99% चांसेस होंगे वहाँ पे डॉक्टर सईद भी होंगे, ठीक है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे है कुछ ऐसा कि डॉक्टर जुबैर आजकल कहीं और ही नजर आ रहे हैं। तो खैर यूँ समझ लें कि एसोसिएट का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ है तो ज़रा मोस्टली चांसेस होते हैं कि वहाँ पर दूसरी डिजीज़ भी होगी, ठीक है। तो ये किसके साथ एसोसिएट होती है, पेडो सिंड्रोम और फिटर, ये होती क्या है, ये बड़ी ये वाली ज्यादा फेमस है पेडो सिंड्रोम, इसके वाले से। तो पेडो सिंड्रोम बोलती है ट्राइसोमी 13, क्या होती है ट्राइसोमी 13, कि आपका जो क्रोमोसोम नंबर 13 होता है उसकी 3 copies होती है, वैसे 2 copies होती है ना हर क्रोमोसोम की, लेकिन इसकी क्या हो जाएंगी 3 copies हो जाएंगी 2 की बजाय। तो इसकी वजह से कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज आती है, कौन कौन सी, ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चरल लाइक सीजर्स होंगे पेशेंट को, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, आई प्रॉब्लम्स होंगे, और क्लेफ्ट पैलेट या फिर क्लेफ्ट लिप होगा। ये तो सबको पता है ना क्लेफ्ट पैलेट क्या होती है, पता है ना, नहीं पता, क्लेफ्ट पैलेट ये होती है कि आपकी ये जो लिप है ये लिप आपस में कनेक्ट नहीं होता, दरमियान में ये जो वो होता है, हाँ जी, फटा हुआ जो लिप होता है, यूँ समझ लें आप, ठीक है, हाँ जी। तो ये क्या होती है कि बस इतना याद रख लें कि ट्राइसोमी 13 होती है, क्या होती है ट्राइसोमी 13 होती है, ये इसके बारे में ज़रा इंपॉर्टेंट, और इसमें क्लेफ्ट पैलेट वगैरह भी याद रख लें, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल, बस ये, और कुछ याद रहे ना रहे पेडो सिंड्रोम के बारे में ट्राइसोमी 13 याद रहना चाहिए। और दूसरी कौन सी है, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम। फिटल अल्कोहल सिंड्रोम खुद बता रही है कंडीशन दैट अकर्स इन इन्फेंट्स, वो बच्चे में कंडीशन होगी, डिजीज होगी, अगर मदर अल्कोहल कंज्यूम करेगी तो वो बच्चे को अगर अल्कोहल एक्सपोज होगा वोम के अंदर, बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर, तो फिर बच्चे को क्या हो जाएगी, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि ग्रोथ की डेफिशिएंसी होती है, बच्चा प्रॉपरली उसकी ग्रोथ नहीं होती, फेशियल और इंटेलेक्चुअल एबनॉर्मैलिटीज होती है, ठीक है, ये नॉट मच इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपकी पेडो सिंड्रोम और ट्राइसोमी 13, ये याद रख लें, समझ आ गया। अब आपकी जो होलोप्रोटेंसेफली होती है उसमें प्रेजेंटेशन कौन कौन सी आती है, डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई, एसोसिएशन भी समझ आ गई, और प्रॉब्लम होता कब है, देखिए सोनो हैकिक जीन से होता है, प्रोटॉन सेफ्लॉन डिवाइड नहीं होता टेलेंट सेफ्लॉन में, और फोर ब्रेन डिवाइड नहीं होता, 2 cerebral hemispheres में एक ही सेरेब्रल हेमिस्फीयर बन जाएगा, एक ही बड़ा सा, ठीक है, और ये 3 to 4 weeks में प्रॉब्लम आता है, और एसोसिएट होता है पेडो सिंड्रोम और अल्कोहल सिंड्रोम में, पेडो सिंड्रोम क्या होता है ट्राइसोमी 13 होता है। अब हम प्रेजेंटेशन देखते हैं कि होलोप्रोटॉन सेफली में वो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है, उसको कौन कौन सी प्रेजेंटेशन होती है। इट इज यूजली एसोसिएटेड विद मिड लाइन डिफेक्ट्स। देखें जी अगर दो हेमिस्फीयर बन रहे हैं इस तरह तो उसके दरमियान में जो लाइन है उसको मिड लाइन बोलेंगे ना, तो मिड लाइन वैसे क्या होती है कि अगर ये एक बंदा है, कोई भी एक बंदा, उसको पहले सर बना लेते हैं वरना आप कहेंगे ये क्या बन रहा है। तो अगर एक बंदा है तो मिड लाइन क्या है, इमेज लाइन जो उसके दरमियान में ऐसे, जो कि बॉडी को राइट और लेफ्ट में क्या करते हैं डिवाइड, वो मिड लाइन कहती है। तो वो कहते हैं इसके जो डिफेक्ट्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, मिड लाइन डिफेक्ट्स होते हैं। मिड लाइन डिफेक्ट्स क्यों होते हैं, क्योंकि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है दो है तो वो दरमियान में होते हैं ना, तो दरमियान में ही प्रॉब्लम है कि वो डिवाइड नहीं हो पाया कि दो बन एक ही बन गया, अगर दरमियान में प्रॉब्लम ना होता तो दो बन जाते, अब दरमियान में ही मसला है ना कोई, तो वो डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए मिड लाइन डिफेक्ट्स इसको ज्यादा आते हैं। तो मिड लाइन डिफेक्ट्स बिकॉज इट इज लिंक्ड विद फेलियर टू सेपरेशन ऑफ टू हाफ्स, क्योंकि ये दो हाफ्स की सेपरेशन से नहीं हो पाती, तो मिड लाइन डिफेक्ट्स होते हैं। मिड लाइन डिफेक्ट्स क्या होते हैं, डिफेक्ट्स दैट अकर
ड्यू टू इनकम्प्लीट डेवलप, और वह कहता है कि मिड लाइन के इर्द गिर्द, मिड लाइन फैक्ट का मतलब है कि अगर ये मिड लाइन है तो इसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स पड़ी होंगी बॉडी की, इसके इर्द गिर्द बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स पड़ी होंगी, अगर उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो, प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो, तो इसको हम बोलते हैं मिड लाइन डिफेक्ट्स, कि मिड लाइन के इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स पड़ी हैं उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो तो इनको हम मिड लाइन डिफेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आप खुद बताएंगे कौन कौन सी स्ट्रक्चर उसके पास पड़ी होती है, तो फिर वो उसकी प्रेजेंटेशन होती है, अभी आप खुद बताएंगे, देखिएगा। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर लोकेटेड अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, पेशेंट प्रेजेंट विद द फॉलोइंग डिफेक्ट्स, मोनोवेंट्रिकल एंड फ्यूज्ड बेसल गैंग्लिया। अब देखें इस डायग्राम पे फोकस करें, वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल कितने होते हैं भाई, दो होते हैं लेटरल वेंट्रिकल, एक राइट लेटरल वेंट्रिकल, एक सेकंड, ये लिंक जो ना वो हो रहा है कनेक्टिंग हो रहा है दोबारा से, सिग्नल मेरे ख्याल में डाउन हो गया, दोबारा शेयर करना पड़ेगा। हाँ जी शेयर, हाँ जी बताएं शेयर हो रही है आप स्क्रीन दोबारा, ये पता नहीं क्या हो गया था, हो रही है स्क्रीन शेयर, चले देखें, चले देखें। तो हमने कहा कि मोनोवेंट्रिकल होता है, लेटरल वेंट्रिकल कितने होते हैं, अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि लेटरल वेंट्रिकल दो होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, हम इस तरह पढ़, फिर उसके बाद नीचे क्या होता है आपका थर्ड वेंट्रिकल, फिर क्या होता है एक्वीडक्ट, फिर उसके बाद क्या होती है आपकी फोर्थ वेंट्रिकल। तो आपके जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं वैसे दो होते हैं, लेकिन इसमें एक ही वेंट्रिकल होगा, एक ही, क्योंकि सेरिब्रल भी डिवाइड नहीं हुआ, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं तो वेंट्रिकल भी दो होते हैं, क्योंकि सेरिब्रल हेमिस्फीयर से वेंट्रिकल्स बन रहे थे लेटरल वेंट्रिकल, तो इसमें वेंट्रिकल्स क्या होंगे, एक ही होगा, वो डिवाइड नहीं होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं, देखें एक ही आपका क्या है, मोनोवेंट्रिकल है, डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कहता है कि ये यहाँ पे रेड स्टार है, यहाँ पे जो बेसल गैंग्लिया है वो भी क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते, जो बेसल गैंग्लिया की जितनी भी चीजें वो भी आपस में क्या होती है, फ्यूज होती है, वो अलग अलग नहीं होती, ठीक है। अब कहाँ पे गया, उसके बाद अगली देखें, अगली वो कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट और लिप, तो ये भी तो क्लेफ्ट पैलेट लिप कहाँ पे आ रहा है, इमेजिन लाइन मेड में आ रहा है, मेड में डिफेक्ट होता है। उसके बाद हैपोटिलोरिज्म, हैपोटिलोरिज्म क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना उसकी जो दो आईज है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, नॉर्मल से क्या होता है, कम होता है, ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस है आईज के दरमियान वो नॉर्मल से, क्योंकि दरमियान वाली फिर मिड लाइन, तो दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होता है। उसके बाद साइक्लोपिया भी हो सकता है, सिंगल सेंट्रल आई होगी, नो सेपरेशन, इसका भी वही सीन कि दो आईज नहीं होगी, मतलब सिंगल, ये देखें बच्चे की एक ही आई है बेचारे की, एक ही आई है, तो सिंगल इसकी आई होती जो सेपरेट नहीं होती। उसके बाद प्रोबोसिस, अब ये क्या होती है कि प्रोट्रियन होती है, एक्सटेंशन होती है टिश्यूज की फ्रॉम द फेस इन द फॉर्म ऑफ, ये देखें ये आपको नजर आ रही है कि जैसे कोई स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकली हुई हो, तो टिश्यूज की प्रोट्रियन होती है, एक्सटेंडिंग होती है बाहर की तरफ, तो इस तरह की ये इस तरह बाहर निकल आती है, ठीक है। तो ये आपकी प्रोटोसेफली थी कि सोनोहेगोक जीन से होती है, पहली चीज प्रोटोसेफली डिवाइड नहीं होता, फोर ब्रेन डिवाइड नहीं होता, टू हेमिस्फीयर बजाय एक बन जाता है, थर्ड फोर्थ वीक में होता है, पैट्रियो सिंड्रोम ट्राइसोमी 13 से ये एसोसिएट होता है। प्रेजेंटेशन में हमने कहा कि मिड लाइन डिफेक्ट होते हैं, मिड लाइन डिफेक्ट में जो मोनोवेंट्रिकल आपको एमआरआई के अंदर मोनोवेंट्रिकल नजर आएगा ये वाला, उसके बाद आपको क्लेफ्ट पैलेट होगा बच्चे को, हैपोटिलोरिज्म या फिर साइक्लोपिया होगा, आंखी एक होगी, नो सेपरेशन, प्रोबोसिस प्रोट्रियन वगैरह होगी। अच्छा, होलो प्रोटोसेफली इंक्रीज द रिस्क फॉर पिट्यूटरी डिसफंक्शन, इससे आपको पिट्यूटरी के डिसफंक्शन भी बढ़ जाते हैं, उस बंदे को डायबिटीज इंसिपिडस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, सॉरी काफ़ी है, अगर आप कहें तो आई एम रेडी टू डिस्कस अबाउट द लेजेंसीफेली, वो भी एक ब्रेन मैलफॉर्मेशन होता है, क्या कहते हैं, काफ़ी है। अब डॉक्टर ज़ुबैर कहते हैं बस अब जो है ना और नहीं होता, तो समझ आ गया सबको, अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो बताएं। फर्स्ट एड से चले, फर्स्ट एड से रीडिंग कर लेते हैं, वेरी गुड डॉक्टर सईद, आपने याद दिला दिया, फर्स्ट एड से रीडिंग कर लेते हैं। चले देखें, हमने कल क्या रीड कर लिया था, कल हमने जो है ना ये वाला सारा रीड कर लिया था ऊपर से, अब इधर 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 से रह गया था, यहाँ से देखें वो कहते हैं लेटरल वॉल्स ऑफ द न्यूरल ट्यूब आर डिवाइडेड इनटू एलर एंड बेसल पैलेट्स प्लेट, एलर प्लेट क्या होती है, डॉर्सल प्लेट होती है, इसमें सेंसरी होते हैं ना इंड्यूस्ड बाय बीएमपीस, और बेसल प्लेट क्या होती है, वेंट्रल है ना, याद आ रहा है, और इसमें मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इंड्यूस्ड बाय सोनोहेगोक जीन, और सेम ओरिएंटेशन एंड एस्पिरेंट कार्ड, तो सेम ओरिएंटेशन होती है कि जो एलर प्लेट होती है वो डॉर्सल होती है तो इससे डॉर्सल ग्रे हॉर्न बनेगा, और बेसल प्लेट से वेंट्रल होती है तो इससे वेंट्रल ग्रे हॉर्न बने क्या। उसके बाद ये हमने रिजनल ये डायग्राम तो मैंने सारे समझा दिए, बस साथ में ये कि वो कहते हैं टीलेंट सिफ्लान, ये नमूने का है कि टीलेंट सिफ्लान इज फर्स्ट, आप कैसे याद रख सकते हैं कि टीलेंट में टी से या फिर एल से नंबर वन कर लें,
उसके बाद डाई डेढ़ से फलन डाई से दो कर लें, या फिर वही वाला फार्मूला करके टीनोस्कोप लगा के लेडी डियाना को, और फिर जो बाकी है वो अल्फाबेटिकली आती है कि पहले मेजन से फलान आएगा, फिर उसके बाद मेटर से फलान आएगा, फिर मेलन से फलान आएगा। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रीजंस कि जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उससे क्या बनता है, सीनस के न्यूरॉन्स बनते हैं, सीनस के ग्लियल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एपेंडेमल सेल्स बनते हैं, और इनको मैंने बता दिया क्या होते हैं, ठीक है। न्यूरल क्रस्ट सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स बनते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, या सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक एंटेरिक सिस्टम मैंने बता दिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ग्लियल सेल्स, श्वान सेल्स, सैटेलाइट्स मैंने बता, एड्रेनल मेडुला मैंने बता दिया, और मेसोडर्म मैक्रोग्लिया मैक्रोफेज से बनते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद ये हमने कल कर लिए थे, डिफेक्ट हमने कल कर लिए थे, इसको हमने कर लिया था, ये हमने होलोप्रोसेन्सेफली, वो कहते हैं अपर इनकम्पेटिबल के बच्चा मोस्टली डेथ होती है जब पैदा होता है, तो अगर पैदा हो तो मजबूत सा होता है। होलोप्रोसेन्सेफली फेलियर ऑफ फोर ब्रेन प्रोसेन्सेफली टू डिवाइड इनटू टू सेपरेट हेमिस्फीयर, डेवलपमेंट तो एक ही हेमिस्फीयर होगा, डेवलपमेंटल फील्ड डिफेक्ट यूजुअली अकरिंग एट 3 to 4th डेवलपमेंट, एसोसिएटेड विद सोनोहैगिक म्यूटेशंस, मे बी इन पेडो सिंड्रोम ट्राइसोमी होती है और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी होती है, प्रेजेंट विद द मिडिल डिफेक्ट्स मोनोवेंट्रिकल होता है, फ्यूज्ड बेसल गैंग्लिया होगा, क्लेफ्ट पैलेट होगी, हाइपोटिरिडिज्म, साइक्लोपिया, प्रोबोसिस इंक्रीज, ये मैंने सब बता दिया कि क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो ये देखें उसका एक ही वेंट्रिकल है जो कि मोनोवेंट्रिकल है, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह ताला लेजेंड सेफेली पढ़ेंगे, और लेजेंड सेफेली के साथ साथ पोस्टीरियर फोसा मैलफॉर्मेशंस पढ़ेंगे, और सिरिंजियम माइला, और साथ में डेवलपमेंट ऑफ टंग, देन आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द न्यूरोएनाटॉमी एंड न्यूरोफिजियोलॉजी। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, अदरवाइज क्लास डिसमिस। जी मैं वेट कर रहा हूँ फॉर द जूम, अगर किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो पूछ ले, अदरवाइज हम क्लास चलो वो डिसमिस करने जा रहे हैं। ओके जी, क्लास डिसमिस, नो क्वेश्चन, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।